तो कंटिन्यू करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 1.1 जो कि हमने पिछले क्लास में 3 क्वेश्चन किए थे। ये जो 2 क्वेश्चन है इसको मैंने इसलिए छुड़वा लिया था क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो कंसंट्रेट करके समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी आपकी स्क्रीन के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मेंशन है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो उसको हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3m एंड 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखना कैसे है देखिए, वही पहले तरीका, पहले हमारा क्या था, ऑड इंटीजर की बात हुई थी क्वेश्चन साइकिल में, विषम पूर्णांक की बात हुई थी, तो हमने ए को क्या माना था, विषम पूर्णांक माना था, ए को ऑड इंटीजर माना था, ए को लेट किया था। इस बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, इस बार ए को हम क्या मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, जैसा कि मैंने आपकी लाइन लिख दी है, एक हमने लेट किया, एक पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक लेट कर। हमें कह रहा है किस फॉर्म में लिखना है, हमें कह रहा है इस फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है, किसको, जी ए को, एक ये हमारा धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हम, इसका जब मैं वर्ग करूंगा, इसका जब मैं वर्ग वर्ग यानी स्क्वायर जब करूंगा तो ये किस फॉर्म में आएगा, इस तरह करना है। तो मैं अगर इसको यूक्लिड से कंपेयर करूं, इससे कंपेयर करूं यूक्लिड से, तो बी कितना आएगा आपका, बी आपका कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, हाँ जी 3 आएगा। और फिर हम इस पर जब यूक्लिड लगाएंगे तो इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं, ए इक्वल टू 3q प्लस आर, इस फॉर्म में ले सकते हैं क्योंकि बी हमारा कितना 3 है। अगर बी 3 है तो आर कितना होगा, जी हाँ सही बोल रहे हैं, हाँ कम कम, हाँ 0, 1 एंड 2, ये हमारा क्या होगा, आर होगा, बिल्कुल ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, हमें कहा है इसको शो करना है, वर्क करना है यानी स्क्वायर करना है, इससे पहले हम क्या करते हैं सभी को इस फॉर्म में लिया है, यानी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3q प्लस 0, जैसे कि मैंने सेकंड क्वेश्चन में करवाया था। फिर ए स्क्वायर टू मैं कितना लिख सकता हूँ, 3q प्लस 1 पुट करा, अभी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3q प्लस 2, यानी बारी बारी हमने इन तीनों वैल्यू को इस पर पुट करके लिख दिया। अब हम एक एक करके इन सभी का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, ऐसा हमारा क्वेश्चन कहता है, स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, शो करना है, इस फॉर्म में लेके आना है हमें, ठीक है। तो अब इसका हम स्क्वायर करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, 0 ऐड करने से कोई नहीं फर्क पड़ी, ये हमारा ए स्क्वायर टू 3q है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क कर देता हूँ, इधर जब स्क्वायर करूंगा तो इधर भी हम स्क्वायर करेंगे, जो चीज हम इधर करते हैं वही चीज इधर भी करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे रहते हैं, इसको सॉल्व करता हूँ, 3 ये स्क्वायर जब 3 पे जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये स्क्वायर जब क्यू पे जाएगा तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, बात क्लियर है। क्या मैं 9 में से 3 निकाल सकता हूँ, हाँ जी हाँ, 9 को हम क्या ले सकते हैं, 3 × 3 ले सकते हैं, तो मैं 9 में से 3 निकालू, अगर मैं 3 निकाल लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 3 × 3 = 9, और इसको तो हमने कुछ एरिया नहीं थी तो ऐसे रहेगा, यानी इसको दोबारा सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा, आ गया, इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब यहाँ एक और चीज देखो, इसको तो मैंने ऐसे रहने दिया, इस पूरे को मैंने एम मान लिया, मैंने इस पूरे को क्या मान लिया है, मैंने ये बिलोंग का निशान होता है, ये बिलोंग कर रहा है, ये सारा मेरा क्या है, एम, कोई भी इंटीजर है, एम यहाँ पर जो है ना, ये भी कोई हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर अगर क्यू हमारा कुछ भी होगा उसको स्क्वायर करके 3 से इनटू करूंगा तो क्या कोई इंटीजर ही आएगा ना, पूर्णांक ही आएगा ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे पे एम लेट कर सकते हो, बिलोंग करता है, मान लिया हमने इस पूरे की जगह पे क्या लिख दिया, एम लिख दिया, क्या ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, हाँ जी हाँ, ये हमारा 3m के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट अब हम इसको उठाते हैं, ए इक्वल टू 3q प्लस 1, इधर स्क्वायर करूंगा तो इधर भी मुझे स्क्वायर, अब इधर स्क्वायर करूंगा यानी इसको स्क्वायर करते, इसको स्क्वायर राइट हैंड साइड पे होल स्क्वायर होगा पूरा। अब होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 × a × b,
ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला में अप्लाई करने वाला हूँ, यानी यहाँ पर जो होता है उसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर जो होता है उसका स्क्वायर कर दिया, फिर टू इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो हम यहाँ इसके पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर हम टू लिखेंगे इंटू ए इंटू बी। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर जब इस पे जाएगा तो ये नाइन बन जाएगा, और ये स्क्वायर जब क्यू पे जाएगा तो क्यू का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये स्क्वायर जब वन पे जाएगा तो वन वन का स्क्वायर वन ही होता है। और इसको सॉल्व करते हैं, वन को थ्री से करेंगे तो थ्री, थ्री को टू से करेंगे तो सिक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को इसको इसको साथ में लिख देता हूँ, इसको साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि यहां से मैं तीन कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि सिक्स के अंदर भी थ्री है और नाइन के अंदर भी थ्री है, तो मैं सबको एक साथ कर देता हूँ। नाइन क्यू स्क्वायर प्लस में सिक्स क्यू प्लस वन, क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ? हाँ जी हाँ, मैं ऐसे ले सकता हूँ, आगे पीछे कर सकते हैं। आगे देखिए मैंने क्या किया, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में थ्री है तो थ्री मैंने यहां से निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? मैंने बताया आपको एक तीन निकालेंगे तीन बचेगा और क्यू स्क्वायर बचेगा। यहां से जब मैं थ्री निकालूंगा तो सिक्स के अंदर थ्री इंटू टू होता है, जब थ्री मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा? टू बचेगा। ठीक है, यहां मैंने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा? ऊपर यहां फिर वही मैं करूंगा, थ्री इस पूरे को एम लेट कर लूंगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस वन। इस पूरे को मैंने क्या लेट कर लिया? एम लिख लिया, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू टू, इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया? एम। तो जी क्या ये थ्री एम प्लस वन किसके फॉर्म में? इस फॉर्म में है जी यार। अब मैं इसको, ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट है हमारा ए स्क्वायर टू थ्री क्यू प्लस टू, बोथ साइड हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे। ये लीजिए मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, वर्क। इस साइड को मैं सॉल्व करता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू ए है, मेरा बी है जो। ठीक है, अगर मैं इनको सॉल्व कर लू तो आपका आ गया थ्री से नाइन क्यू स्क्वायर, और आ जाएगा यहाँ टू थ्री जा सिक्स, सिक्स टू जा। हमने क्वेश्चन कह रहा है हमें इसको या तो हम थ्री एम या थ्री एम प्लस वन के रूप में शो करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ये तो यही आएगा आपका, देखो कैसे आएगा। मुझे इन देखो, मैं पहले इसको उधर, इसको इधर लिया था पहले, सबसे बेस्ट हमारा ये रहेगा जैसा मैंने पहले किया था आपको। अब क्या करूंगा मैं, नाइन क्यू स्क्वायर ऐसे रहने दो, इसको भी ऐसे रहने दो, क्या इस फोर को मैं ऐसे दे सकता हूँ? जब मैं थ्री में वन ऐड करूंगा तो वापस से फोर हो जाएगा। क्यों मैंने ऐसा किया इसको मैं आगे बताता हूँ आपको, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इतने में से देखो तीन यहां भी है, थ्री यहां भी है, थ्री यहां भी है, क्या मैं इन तीनों में से थ्री कॉमन ले सकता हूँ? हाँ जी हाँ, मैं ले सकता हूँ कॉमन। यहां से थ्री अगर मैं बाहर ले लूंगा तो यहाँ से थ्री क्यू स्क्वायर बचेगा, यहां से थ्री ले लूंगा बाहर तो यहाँ फोर क्यू बचेगा, और यहाँ थ्री यहाँ अगर मैं बाहर ले लूंगा तो सिर्फ यहाँ वन बचेगा प्लस वन। क्या क्या मैंने यहां से थ्री ले लिया तो थ्री बचा, थ्री थ्री देखो थ्री थ्री नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री वन जा वापिस से वही आ जाएगा, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं। इसको मैं अब इस पूरे को मैं एम ऐड कर सकता हूँ और ये मेरा वन आ गया, यानी मैंने एम किसको मान लिया? थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन, इन सभी को मैंने क्या मान लिया? एम मान लिया। तो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, हाँ जी आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को, धनात्मक पूर्णांक को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से आ गया हो। अब आप इसको आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है सेम है क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस इतना है उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन फोर में हमने स्क्वायर किया था यानी वर्ग किया था, क्वेश्चन फाइव में हमें ए का क्यूब करना है यानी हमें घन करना है जिसमें पावर तीन। ठीक है, ये करना है, बाकी वहां भी हमारा धनात्मक पूर्णांक था, पॉजिटिव इंटीजर था। इस क्वेश्चन में भी कह रहे हैं धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? नाइन एम, नाइन एम प्लस वन, नाइन एम प्लस ए, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे, इस बार मैं लिख नहीं रहा हूं, आप खुद लिखिए,
जो पीछे आपको मैंने फोर्थ कराया, लेट कर लेंगे ए को, कि ए लेट क्या है, क्या हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। बी क्या होगा यहाँ पर, जी हाँ बी आपका यही होगा जो मैंने बताया आपको, पिछली बार हमने बी क्या लिया था, 3m तो 3 लिया था, और इस बार हमारा 9 है तो 9 लेंगे। फिर यूक्लिड लगाएंगे, यूक्लिड लगाने से क्या हो जाएगा हमारा, यूक्लिड लगाने से हो जाएगा यहाँ पर 9q+r हो जाएगा, सेम भाई जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। मान लेंगे ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यूक्लिड लगाएंगे लेमा तो ये हमारा इतना आ जाएगा लगाने से। अब जी हाँ, अब आर आप बता सकते हैं आपका कितना होगा, इससे कम यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, या इसी में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे हम, क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर टू सबसे पहले यहाँ एक एक करके पुट करेंगे 9q+0, फिर ए स्क्वायर टू पुट करेंगे 9q+1, फिर ए स्क्वायर टू पुट करेंगे 9q+2, फिर ए स्क्वायर टू पुट करेंगे 9q+3, फिर ए स्क्वायर टू पुट करेंगे 9q+4, फिर ए स्क्वायर टू पुट करेंगे 9q+5, फिर ए स्क्वायर टू पुट करेंगे 9q+6, फिर ए स्क्वायर टू पुट करेंगे 9q+7, ए स्क्वायर टू पुट करेंगे 9q+8, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इतना करने के बाद हमने पिछली बार उसमें भी सेम किया था, हमने वहां स्क्वायर किया था, वर्क किया था, यहाँ पर हमें क्यूब करना है, घन करना है, तो हम एक ही करके अब क्या करेंगे, इनका घन करेंगे। तो करते हैं भाई, देखिए ए स्क्वायर टू 9q है, पक्की बात है, इधर भी मैं क्यूब कर देता हूँ और इधर भी मैं क्यूब कर देता हूँ, यहां मेरा कितना आ जाएगा अगर क्यूब करूंगा तो 9 9 81 और 81 9 7 29, मैं क्या से क्या सी नियम 736, और ये क्यूब इस पे एज इट इज आ जाएगा। क्या यहां से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, तो हाँ जी हाँ, इसमें से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ। जैसे मैं इसमें से 9 निकालूंगा, तो आपको बताया मैंने 81 को जब 9 से गुणा करते तो 729 आता है, तो जब मैं 9 को निकाल लूंगा तो क्या बचेगा, 81 बचेगा और क्यू की 3 बचेगा। अब इसको मैं लिखूंगा 9m, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया, 81 q3, कोई दिक्कत, ये हमें 9m के रूप में इसको रख दिया, जी हाँ लिख दिया। नेक्स्ट है मेरा ये इक्वल टू 9m+1, अब यहां भी क्यूब करूंगा और यहां आप आराम से कर सकते हैं, 9 का क्यूब करोगे फिर आएगा, लेकिन अगर आप ध्यान दे मेरी बातों को जो मैं कहना चाहता हूं, अगर मैं एक एक करके इन सभी को करने बैठ गया, क्यूब है जिस वजह से यहां पर आपकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड होने वाली है। अभी आ रहा आपका 2729, जैसे ही पावर 2 आएगा फिर क्यूब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, आंसर तो आएगा आपका, देखो आंसर आ रहा है आपका, 9m आया ना, आया इस तरह 9m+1 भी आएगा, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। तो जैसे जब कैलकुलेशन हमारा हार्ड होता है तो हम कुछ नया तरीका लाते हैं, अब नया तरीका क्या है मैं बताता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि मैथ्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक तरीके नहीं होते, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से आपका आंसर आएगा, लेकिन लेंथी हो जाएगा। तो जब हमारा शॉर्टकट में काम चल रहा है तो हम लेंथी क्यों करें, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको सही तरीके से मतलब शॉर्टकट वैसे कैसे करेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं है, मैंने बताया ना आपको बी आपका यहाँ पर जो है वो लेंगे, ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कुछ और इंटीजर लेट करने वाला हूँ सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो तरीका हमारा चलता आ रहा है, जो वहां होता था हम बी उसी को लेट करते थे, ठीक है, ओके। देखिए फिर तो देखिए वे बताता हूँ, वही हम करेंगे, लेट करेंगे, ए हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए हमने माना कि पॉजिटिव इंटीजर, लेट कर लिया। इस बार बी क्या होगा, इस बार बी मैं बताता हूँ, इस बार बी मैं 3 लूंगा, बी कितना लूंगा 3, फिर यूक्लिड लगाएंगे तो ए इक्वल टू 3q+r आ जाएगा, जब बी हमारा 3 है तो r कितना होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि मैंने यहां पर बी इक्वल टू 3 लिया तो क्यू लिया, 4 ले सकता था, 5 ले सकता था, 6 ले सकता था, लेकिन मैंने यहां 3 क्यों लिया, रीजन सुनिए, अगर मैं यहां पर 4 ले लेता
तो लेता 4। अगर मैं 4 का क्यूब करता, 4 का क्यूब करूंगा तो 4 4 16 64 आता, कितना आता 64। क्या आप यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं? आपका आंसर होगा नहीं, आप इसमें से 3 कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। वही मैं अगर 2 ले लेता तो 2 का क्यूब करता आता 8। क्या आप यहां से 3 कॉमन ले सकते थे? नहीं। लेकिन यहां मैंने 3 लिया, अब मैं अगर 3 का क्यूब करूं 27 आएगा। हाँ, यहां से मैं 3 कॉमन ले सकता, क्या बचेगा अंदर? 9 बचेगा। 3 कॉमन ले लिया अगर मैंने तो क्या बचा? 9 बचा ना, इसलिए मैंने b कितना लिया है? 3 लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके हम इसे पुट करते हैं। 3q+0 फिर एस पर 2 क्या हो जाएगा? 3q+1 फिर एस पर 2 3q+2 हो गया पहला। बस अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लेंगे और क्यूब करेंगे, क्यूब यानी पावर 3 करेंगे। तो ये क्यूब जब इस पे जाएगा, ये 3 3 9 और क्यूब पे जाएगा तो 3 हो जाएगा, नहीं सॉरी 3 का क्यूब 27 आएगा। अब यहां से मैं 9 अगर कॉमन ले लू तो अंदर क्या बचेगा? इस पूरे को भाई हम क्या करेंगे? m मान लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 9m आ जाएगा। आ गया, ये हमारा a इस फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करने वाले हैं, हम इसको देख लेंगे। a=3q+1 हमने लिखा, बोथ साइड हम क्या करेंगे इसके क्यूब करेंगे, क्यूब कर दिया। अब a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला हम देखते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a²b + 3a। ये फॉर्मूला आके हम सॉल्व करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में करते बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं ये तरीका बता रहा हूं। देखो a हमारा ये रहा, b हमारा ये, a³ + b³ + 3 into a² × b² 3 into a² यही है। सॉल्व कर देते हैं, 3 से 9 3 27 क्योंकि 3 1 + 3 9 9 3 27 क्योंकि 2 + 3 3 9। आगे देखिए, यहां इन तीनों में से मैं 9 कॉमन ले सकता हूं, लेकिन इसमें से नहीं ले सकता ना, तो वही तरीका अपना, इसको हम उठा के इस साइड में फेंक देंगे। 27 q³ + 27 q³ + 9q + 1। अब इन सभी में से 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3q³ बचेगा, यहां से 9 कॉमन ले लूंगा तो 3q² बचेगा, और यहां से 9 कॉमन ले लूंगा तो सिर्फ q बचेगा +1। इस पूरे को अब क्या लाइक कर लेंगे? हाँ जी हाँ, m मान लेंगे +1। तो इस पूरे को मैंने क्या कर दिया? m मैंने क्या मान लिया है? 3q³ + 3q² + 2। करने से क्या हुआ? क्या ये फॉर्म आ गई? हाँ जी हाँ, ये भी फॉर्म आ गया। आपकी कैलकुलेशन हार्ड नहीं होगी, ये फॉर्म आ गई। अब इस फॉर्म में हम लाते हैं, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमें फॉर्म लाना है 9m + 8। देखिए अब हमारा है थर्ड, 3q+2। क्या करेंगे हम? क्यूब कर देंगे बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे? घन घन कर। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया क्यूब का, क्या होता फॉर्मूला? a³ + b³ + 3a²b + 3ab² बताया। सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 3 9 9 27 q³ 8 हो जाएगा आपका 3 3 9 और 9 3 27 और q²
और ये 2 रह गया, तो साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 27 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 54, यहाँ आपका आने वाला है 54। मैंने क्या किया, 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया 54, यहाँ आपका आ जाएगा 2 to the 4, 4 3 12, 12 3 और 2 to the 4, 4 3 36। ठीक है, 2 3 4, 4 3 12, 12 4 12 3 हो गया। वही पिछले बार वाला तरीका, यहाँ हमारा 9 आया, इसको हम क्या करेंगे, साइड में रख देंगे। यहाँ मेरा बचेगा 26 cube 54 cube square plus 36 cube। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ इन सभी में से 9 कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से 9 कॉमन नहीं ले सकता। तो अब हमें करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, हमें 8 में से भी लाना ही है। हम क्या करेंगे, इन सभी में से क्या करते हैं, 9 कॉमन कर लेते हैं। जैसे मैं 9 कॉमन लूंगा, यहाँ कितना बचेगा, 6 cube square बचेगा, क्योंकि 9 9 6 54 9 6 54, और यहाँ से 9 कॉमन लूंगा 4 cube, इसमें से कुछ नहीं है, इसको हम साइड में लेंगे। इसको मैंने साइड में से रखा है क्योंकि इसमें से 9 कॉमन नहीं आता, ये 9 आ गए, इन सभी को हम क्या मान लेंगे, m, और ये हमारे 8 आ गए। यहाँ 3 cube, हमने m क्या कर लिया, यहाँ पर m किसको लिखा है, 3 cube की 3 plus 6 cube square plus 4 cube, ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो हमने देखा कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते घन करते तो 9m 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में रूप में हम लिख सकते हैं। ये था शॉर्टकट तरीका, वो तरीका मैंने क्यों नहीं करवाया आपको, मैंने पूरा रीजन दे दिया। ठीक है, तो ये था आपका पूरा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं वहां सॉल्यूशन दूंगा आपको। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें, शेयर करने से क्या होगा कि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, उनके डाउट भी क्लियर हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।